क्या कहना है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि जनमंच को बंद कर दिया जाएगा, नया सिस्टम शुरू होगा। देखिए, जो जनमंच था करीबन, मैं समझता हूँ सरकार, पिछली भाजपा सरकार ने करीबन 5.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर जो है केवल मात्र खाने के ऊपर और टेंटों के ऊपर खर्चा है, और उससे बड़ी बात जनमंच का कोई फायदा किसी पब्लिक को हुआ नहीं है। उल्टा ये देखने में आया है कि जो हमारा सरकारी कर्मचारी वर्ग है उनको प्रताड़ित करा गया, मानसिक हरासमेंट हुई है उनकी, और काम जो है कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने फैसला किया है कि जनमंच को बंद करेंगे। पहले भी जनमंच नहीं होता था, पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम और ग्रीवेंस कमेटी के माध्यम से सारे काम चलते थे, और माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में बोला है कि हम अपनी जो, क्योंकि हर एक नागरिक तक सरकार ने पहुंचना है, हर एक नागरिक जो गांव में रहता है हर वर्ग तक पहुंचना है। इसके लिए सरकार अभी अपनी अपना जो है स्कीम बना रही है, वो किस तरह से पहुंचा जाए उसके लिए हम अपना जो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेंगे। विपक्ष के नेता का कहना है कि ये जनमंच एक ऐसा माध्यम था जिससे आम जनता जो सरकार तक पहुंचती थी, इसे जारी रखना चाहिए चाहे नाम बदल दें। देखिए सर, नाम बदलने का हमारा काम नहीं है, या तो कोई प्रोग्राम या प्रोग्राम होता है या नहीं होता है कोई भी। और जहाँ तक पिछली सरकार की बात है, या माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं हमारे जयराम जी बोल रहे थे कि इसको जारी रखना चाहिए, तो सरकार ने, प्रेजेंट सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने कुछ जयराम जी से पूछ के कार्यक्रम नहीं रखने। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा बंगवा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।